जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 अक्षय तृतीया तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का व्रत मनाया जाता है और इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान का पूजन करना, अगर इन कार्यों को करते हैं तो इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सनातन धर्मियों का प्रधान त्योहार माना जाता है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है। सभी अक्षय हो जाते हैं, इसी से इसका नाम अक्षया हुआ है। इसी तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन त्रेता युग भी आरंभ हुआ था, अतएव इसे मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। परंतु परशुराम जी का प्रदोष काल में प्रकट हुआ था, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न काल से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न की जा सकती है। और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन होती है। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनायकोपेता के अनुसार गौरी पुत्र गणेश जी की तिथि चतुर्थी का सहयोग अधिक शुभ फल होता है, अर्थात तृतीया और चतुर्थी युक्त हो तो यह बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल देने वाली तिथि है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रतोत्तर सवादी के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र और आभूषण आदि बनवाए अथवा धारण किए जाते हैं तथा नवीन स्थान, संस्था एवं समाज आदि का स्थापन या उद्घाटन भी किया जाता है। ज्योतिषी लोग आगामी वर्ष की तेजी मंदी जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यावहारिक वस्तुएं और व्यक्ति विशेषों के नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलकर उसकी न्यूनाधिकता से भविष्य का शुभाशुभ मालूम करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि अगर सोमवार हो और रोहिणी नक्षत्र में हो तो ये तीनों बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। किसान लोग उस दिन चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी का आगे जाना अच्छा और पीछे रह जाना बुरा मानते हैं। अक्षय तृतीया व्रत इस दिन उपयुक्त तीनों जयंतियां एकत्र होने से व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके, खास करके गंगा में स्नान करे तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा में स्नान करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन जहाँ तक हो सके व्रत का संकल्प लेकर के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान का यथा विधि खोट सोपचार पूजन करे या पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हें जल से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, सुगंधित पुष्प माला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी और भगवान हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करें और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, खांड, मावा, मिठाई आदि तथा स्वर्ण एवं जल पूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करें तथा पितृ श्राद्ध करें और ब्राह्मण को भोजन करावे। यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था, अतः यह प्रदोष व्यापनी ग्राह्य होती है। यदि दो दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरा व्रत करना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन की लेनी चाहिए।
भगवान परशुराम के पूजन के लिए चाहिए कि इस दिन प्रातः काल संकल्प करके सूर्यास्त तक मौन धारण करे और सायं काल में पुनः स्नान करके भगवान परशुराम जी का पूजन करे तथा यमदग्नि सुतो वीरा क्षत्री यांत कर प्रभु गृहाना अर्घम मया दत्तम कृपया परमेश्वरा। इस मंत्र से भगवान परशुराम जी को अर्घ्य दे करके रात्रि भर राम मंत्र का जप करे और वैशाख शुक्ल तृतीया को जो कि गौरी पूजा की जाती है इस दिन पार्वती का प्रीति पूर्वक पूजन करके धातु या मिट्टी के कलश में जल फल पुष्प गंध तिल और अन्न भरकर एषा धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक अश प्रदानात सकला मम संतु मनोरथा यह उच्चारण करके उसका दान करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का व्रत कब किया जाएगा। तो तृतीया तिथि प्रारंभ समय वैशाख शुक्ल तृतीया जो कि 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को तृतीया तिथि प्रारंभ है जो कि सुबह 7:51 पे और तृतीया तिथि की समाप्ति जो कि 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार सुबह 7:50 पे। अक्षय तृतीया तिथि के लिए अगर सोमवार का दिन हो या रोहिणी नक्षत्र हो तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो नक्षत्र रोहिणी जो कि हमें प्राप्त हो रहा है वह 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 अप्रैल को रात्रि 11:25 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ है और इसकी समाप्ति जो कि 23 अप्रैल को रात्रि 12:27 पे। तो इस कारण से खास करके अक्षय तृतीया का व्रत 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को धारण करें तो यह बड़ा ही अच्छा होगा और शुभ फलदायी होगा। यह वाराणसी हृषिकेश पंचांग के अनुसार बतलाया गया है। 23 अप्रैल को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 6:25। चंद्रोदय का समय जो कि सुबह 7:30 और चंद्रास्त रात्रि 9:43। योग जो कि सौभाग्य योग सुबह 8:20 तक उसके बाद शोभन योग। 23 अप्रैल को जो कि तृतीया और चतुर्थी दोनों प्राप्त हो रहा है तो इस दिन खास करके व्रत रखना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 23 अप्रैल को जो कि विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा क्योंकि विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है तो इसके अनुसार 23 अप्रैल को जो कि बड़ा ही शुभ दिन प्राप्त हो रहा है। तो जो भी अक्षय तृतीया का व्रत रखने वाले हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, भगवान का पूजन करने वाले हैं, दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे। इस दिन खास करके जितना बन सके अपने इष्ट देवता का पूजन करें, कुल देवता का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। किसी भी प्रकार का अगर आप पूजन का कार्य करते हैं जब तब जो भी कार्य करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।